जब किसी का खान पान घटिया होगा जी तो उसका होमोग्लोब कम हो जाएगा, जिसका होमोग्लोब कम होगा उसको थकान हो जाएगी। जी अब होमोग्लोब को नॉर्मल रखने के लिए टमाटर का सूप या कच्चे टमाटर का रस अमृत है, ये ब्लड बैंक है। जी गाय के दूध में या बकरी के दूध में आप शहद मिला के पी रहे हैं, आपका होमोग्लोब पूरा है, आपको थकावट नहीं होगी। और फलों में नारियल, हरा नारियल ताज़ा मिल जाए, उसका आप एक गिलास जूस पी लेते हैं, आपकी थकावट दूर हो जाती है, उससे भी होमोग्लोब बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो देन है वह खीरे की, और खीरा आजकल 12 महीने मिलने लगा, जी नरम छिलके वाला खीरा, जहाँ से वो बेल से लगा था वहाँ के 1 इंच से काट के उसमें छोटे छोटे चाकू छुरी से छेद करके उसको हिलाएं, थोड़ी देर झाग सी निकलेगी, जी फिर उसको उससे करीब आधा इंच नीचे से काट के फेंक दें, कड़वापन उसका सारा निकल गया। अब उसमें चीरा लगा के सिर्फ काली मिर्च डालनी पीस करके चुटकी भर, और 5-4 बूंद नींबू की डालनी, ज़्यादा नहीं, नमक नहीं डालना। अब उसको चबा के खाइए आप, ये सुबह आप चाहे सूर्योदय होने से पहले बुखार को नुकसान नहीं करेगा, परंतु शाम को गर्मी या चाहे सर्दी है, सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले उसको बंद कर देना। यदि आप उसके बाद लेते हैं तो सारी रात सो नहीं सकते, फिर पेशाब को भागते रहेंगे, जी वो भी इस बीमारी को दूर करता है। और जिनको सांस फूलता है कमजोरी से, उनके लिए सबसे अच्छा है कि 2 चम्मच शहद, आधा नींबू का रस मिलाएं, और उसको एकदम नहीं पीना, उसको चाटना है, या आंगले से चाटो या चम्मच से थोड़े थोड़े लेते जाओ। जी 2 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस पीने में आप 15 मिनट लगाएंगे, आपकी थकावट खत्म हो। हर चीज का अपना अपना प्रभाव है, और जिनको हर 15 दिन में महीने में खून चढ़ाना पड़ता है थैलीसीमिया वालों को, जी यदि वो 12 महीने नींबू और शहद ले रहे हैं तो उनको जिंदगी में कभी खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका होमोग्लोब 16 का 16 पूरा रहेगा मर्द का, औरत का तो 14 रहेगा।